हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आप सभी को माइनक्राफ्ट के अंदर विजन फार्म बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्लेन जगह चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टेम्पररी ब्लॉक ले लीजिए, एक स्लैब ले लेनी है और फेंस गेट ले लेने हैं, फेंस और फैंस डोर ले लेने हैं। यहाँ पे आपको एक स्लाइम ले लेना है, स्लाइम ब्लॉक ले लेना है। यहाँ पे आपको चार बेड ले लेने हैं, टॉर्च ले लेनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ब्लॉक टिक करके वहाँ पे आपको स्लाइम लगा देना है। वो आप उसके बाद यहाँ पे आपको तीन तीन ब्लॉक छोड़कर उसके ये कर देना है गेट फैंस। तो जैसे यहाँ पे आपके फेंस गेट हो गए, यहाँ पे आपको एक गेट लगा देना है बीच में और यहाँ पे चारों साइड टॉर्च लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर दो ब्लॉक डिक कर देने हैं, ऊपर तीन ब्लॉक ले लेने हैं ऊपर और इधर ऐसे तीन तीन कर देने हैं, तीन चारों साइड तीन तीन ब्लॉक ऐसे ले आने हैं इधर। फिर यहाँ पे आपको चारों साइड तीनों चारों साइड बेड लगा देना है, ये बीच में का ब्लॉक छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक ऊपर ले जाना है, चारों साइड कर देना है तीन तीन ब्लॉक ऊपर। फिर यहाँ पे आपको मैं जैसा करता हूँ ऐसा करना है यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे भी आपको तीन तीन ब्लॉक ऊपर ले लेना है, ऐसा चारों साइड कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसा चारों साइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आपने चारों साइड कर दिया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर टॉर्च लगा देनी है जिससे ज़ॉम्बी कोई स्पॉन ना हो सके। और यहाँ पे आपको चारों साइड एक एक स्लैब लगा देनी है, ये स्लैब आपको नीचे लगा देनी है। और यहाँ पे नीचे के ब्लॉक तोड़ देने हैं। फिर यहाँ पे आपको एक ब्लॉक ले लेना है, उसके ऊपर एक लगा देना है और उसके ऊपर एक लगा देना है और यहाँ पे आपको एक स्लैब लगा देनी है और ये नीचे का सब तोड़ देना है। फिर उस स्लैब के ऊपर और एक स्लैब लगा देनी है और यहाँ पे आपको टॉर्च लगा देनी है। तो ये होने के बाद यहाँ पे आपको ये ले लेना है, साइन बोर्ड ले लेना है। फिर यहाँ पे आपको लगा देना है बेड के साइड में एक साइन बोर्ड और उसके नीचे एक लगा देना है। ये होने के बाद सब आपका फार्म पूरा तरीके से तैयार है। यहाँ पे आपको सिर्फ विलेजर लाने हैं, मैं क्रिएटिव में इसलिए विलेजर के एक ले रहा हूँ। आप ट्रेन से ला सकते हो या तो बोट से ला सकते हो। यहाँ पे आपको चार विलेजर ले लेने हैं। अरे यहाँ पे कोई भी विलेजर बच्चा है वो हरा कलर का नहीं होना चाहिए, सब ऐसे विलेजर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इनको ब्रेड दे देते हैं, टेल साले ब्रेड दे देने हैं जिससे ये ब्रीडिंग कर सके। जैसे ब्रीडिंग हुए बच्चा होगा वो यहाँ पे आएगा और नीचे गिर जाएगा और नीचे स्लाइम है तो इसकी वजह से उसको डैमेज भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इनको ढेर सारा ब्रेड दे देना है। ब्रेड हो गया, अब रात हो रही है तो ये सोएंगे और ब्रीडिंग करना चालू करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए सारे विलेजर ब्रीडिंग कर रहे हैं। देखिए जैसे ब्रीडिंग हुई बच्चा हुआ वो सीधा नीचे जाएगा, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए दो दो बच्चे आए यहाँ पे और ये ऐसे खेलते खेलते नीचे गिर जाएंगे, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसे गिरते हो। तो देखिए गिर गया नीचे। तो देखिए यहाँ पे आपका सेफली लेजर फार्म काम कर रहा है। तो आप ये ब्रीडिंग करते ही रहेंगे और बच्चे देते ही रहेंगे और बच्चे नीचे गिरते रहेंगे, तो ऐसा भी एक फार्म काम करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए यहाँ पे नीचे तीन बच्चे आ गए और ये ब्रीडिंग और भी करे, तो ये विलेजर फार्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।